अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ पोको X3 प्रो यूज़र के बारे में आ रही है कि अभी सर्विस सेंटर पे करीब 50% से ज़्यादा लोग जाना बंद कर चुकी है पोको X3 प्रो डेट के बारे में प्रॉब्लम लेकर। यहाँ पर आप लोगों की क्वेश्चन ये रहेगा कि सच में पोको X3 प्रो की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कम हो चुकी है, इसकी वजह से हो सकती है कि 50% लोग जाना बंद कर दिया, तो इसके पीछे कारण तो यही आ सकती है कि अभी डेट होना बंद हो चुकी है। आज बेसिकली यही डाउट आप लोगों की क्लियर करेंगे। तो मेरा नाम है बलराम गोराय और आप सब देख रहे हम सब लोगों का यूट्यूब चैनल टेक्निकल बलराम। पहले जब कोई सर्विस सेंटर विजिट करता था तो बाहर से पता चल जाती थी कि एक्चुअल में अंदर पे कितने लोग हैं, क्योंकि बाहर पर चप्पल तो सब लोगों को दिखती है। और एक बात, जब पोको X3 प्रो डेट की पहले लहर आई थी, जैसे कि कोरोना की लहर आई थी, तो ऐसा ही सीन पोको X3 प्रो के साथ भी है। तो जब ये लहर आई थी तब कोई भी बंदा अगर पोको X3 प्रो को ले जा रही है तो बिना कोई डाउट वो सर्विस सेंटर वालों को पता चल जा रही थी कि एक्चुअल पे क्या प्रॉब्लम है। सब लोगों को पता है कि डेड हो रही है, तो सिंपल से वो लोग डेड की जो सेक्शन है वहाँ पर सबको ऐड कर देती थी। देखो, सर्विस सेंटर तो एक्चुअल पे हर एक यूज़र के लिए, चाहे वो Xiaomi हो, पोको हो, सैमसंग हो, तो यहाँ पर सिंपल से पोको की स्मार्टफोन और MI की स्मार्टफोन ज़्यादा यहाँ पर दिखाई जाती है। Xiaomi है जैसे कि आप सब लोगों को पता है, तो यहाँ पर हर एक यूज़र आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण की वजह से मोबाइल प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर डेड होने की जो प्रॉब्लम है वो देख सकते हो कि X3 प्रो पास ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही कारण तब ज़्यादा देखा जाती थी। मगर आप भी मैं सर्विस सेंटर पे जाके देख रहा हूँ कि पोको X3 प्रो आना बहुत ही कम हो चुकी है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अदर फ़ोन ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर अगर घंटे में दो फ़ोन भी आए तो मैं कहूँगा कि बहुत कम आ रही है, क्योंकि पहले मैंने देखा था करीब एक घंटे के अंदर 4 से 5 स्मार्टफोन आ रही थी, और अभी भी ऐसे सेम प्रॉब्लम है, मगर हाँ बहुत ही कम हो चुके पहले से। क्योंकि हम लोग वहाँ पर एक घंटे विजिट करके रहा था तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्मार्टफोन आई थी डेड हुआ। तो अभी मैं कहूँगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कभी भी ये मत सोचना कि यहाँ पर फ़ोन आना कम हो चुकी है, इसका मतलब प्रॉब्लम कम हो चुकी है, ये मत समझना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरा कमेंट आना अभी स्टॉप नहीं हुआ है। तो अगर प्रॉब्लम है तो सर्विस सेंटर पे क्यों वो स्मार्टफोन नहीं आ रही है, तो इसके पीछे की सिंपल सा लॉजिक ये है। देखो, सर्विस सेंटर जाने की फायदा तब भी होती है जब आपके फ़ोन अंडर वारंटी में है। तो जब पोको X3 प्रो डेड की पहले लहर आई थी तब सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए हो रही थी कि क्योंकि तभी 90% से ज़्यादा मोबाइल अंडर वारंटी में थी, और अभी करीब 1 साल हो चुकी है कंप्लीट पोको X3 प्रो को लॉन्च होना, तो यहाँ पर 70% से ज़्यादा आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है। और जब से पोको X3 प्रो डेड होना स्टार्ट हुई है तब से लेके ये स्मार्टफोन खरीदना भी कम हो चुकी है, तो इसीलिए नए नए मोबाइल नहीं है, और नए नए मोबाइल नहीं है तो नए नए मोबाइल ख़राब भी नहीं हो रही है, और ख़राब अगर नहीं हो रहे तो सर्विस सेंटर पर विजिट भी नहीं हो रही है, और वो लोग सर्विस सेंटर पर विजिट नहीं कर रही है जिनको पता चल चुकी है कि अंडर वारंटी से ज़्यादा हो चुके, आउट ऑफ वारंटी हो चुके। अगर ये फ़ोन सर्विस सेंटर ले जाओ तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगा, ऑलरेडी अंडर वारंटी भी रहेगा तो भी पैसे की डिमांड करिए तो अभी तो और भी ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगा, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट काम किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल और एक चीज़, वो लोग हमारे सब्सक्राइब भी है, तो वो लोग को पता है कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ करना चाहिए कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग पहले से मुझे सब्सक्राइब करके रखा था, जब पहली लहर आई थी तब मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा चली भी थी। मैंने ऑलरेडी उनको बोल रखा था कि सर्विस सेंटर जाने से अच्छा है कि आप रिपेयर सेंटर पर जाओ, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में रिपेयर सेंटर मिल जाती है हर एक जगह पे है, तो वहाँ पर जाके आप सर्विसिंग करा लो मोबाइल की, देखना कि वो लोग क्या करिए नहीं करिए, सर्विस सेंटर स्कैम ज़्यादा हो रही है तो सर्विस सेंटर पे विजिट मत करो। तो वो लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया है। तो अभी ये सिंपल सा फंडा है कि अभी इसलिए सर्विस सेंटर पे भीड़ नहीं हो रही है और कोई लोग नए स्मार्टफोन नहीं खरीद लिए, तो इसीलिए थोड़ी बहुत कम हुई है। जिन्होंने पहले खरीद रखा था उनकी मोबाइल पर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो नए मोबाइल खरीद नहीं पा रही है वो बारे बारे से मदरबोर्ड को चेंज करा रही है और बारे बारे से एक स्कैम को और फिर से और एक बार स्कैम करने की सुविधा दे रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को और प्रेस करना, क्योंकि आपके पास ऐसे वीडियो हर रोज बनाता रहे, कुछ ना कुछ आपको समझता रहता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ न्यू कंटेंट में न्यू लुक के साथ, फिर से मिलेंगे दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय, और दोस्तों वेट करना न्यू कंटेंट के लिए, और सब लोगों को कहना चाहूँगा कि कमेंट भी कर दो यार, आपके कमेंट के लिए मैं इंतजार करूँगा। चलिए भाई लोग बाय बाय, घर पर रहना, सेव रहना। और दोस्तों एक ही चीज़ करने वाला हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट अभी सख्त जरूरत है, थोड़ी बहुत सपोर्ट करके जाना आपके छोटे भाई को। चलिए बाय।